भागलपुर के वार्ड संख्या 50 और 51 में महीनों से सड़क पर जल जमाव है। यह जल जमाव नाले के पानी के कारण हुआ है, जिसके चलते हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना तो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं, ना ही जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन व नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सोमवार को भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने पदभार भी ग्रहण किया। जब मेयर वसुंधरा लाल से पत्रकारों ने पूछा कि महीनों से 50 और 51 वार्ड का यह हाल है, तो उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए वार्ड का निरीक्षण किया और जल्द इस पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा, सिर्फ नाले की उड़ाई करने से इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि इस पर जल्द ठोस कदम लिया जाएगा, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को आगे भी किसी तरह की परेशानी न हो। कि कहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है जहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है, तो वो समझ में आ गया कि जहाँ मेन जगह है जहाँ वो क्लियर रहना चाहिए, वो पूरा क्लियर है नहीं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो वो जल जमाव की समस्या बनी रहेगी। तो वही देखने के लिए हम आए थे, वो निरीक्षण कर लिए हैं, अब इसको रखेंगे जहाँ हम नगर निगम में और लोगों के साथ मिलके बैठ के देखेंगे कि जो जहाँ से ये होना चाहिए, जहाँ पर वो क्लियर होना चाहिए, उसको ध्यान देना है। जगदीशपुर सीओ ने अधिवक्ताओं को जिला पंचायती राज पदाधिकारी के परिसर में चल रहे कार्यालय पर बुलडोजर चलाने का मौखिक आदेश दिया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं के बीच हड़कंप मच गया और वे जिलाधिकारी के पास मिलने पहुंचे। गौरतलब हो कि 14 जनवरी को जिला पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय जाँच के क्रम में आए हुए थे, जिसमें जिला पदाधिकारी को किसी अन्य प्रकार की बातों का संकेत मिला था, जिसके कारण जिला पंचायती राज परिसर के पूर्वी गेट में ताला लगाने का आदेश दिया और आज अधिवक्ताओं को जगदीशपुर सीओ के द्वारा मौखिक रूप से कार्यालय हटाने की बात कही गई। जबकि अधिवक्ताओं को कार्यालय हटाने के नोटिस तीसरी बार लगातार दी गई है, फिर भी अधिवक्ता अपने कार्यालय को वहां से हटाना नहीं चाहते। उनका कहना है, 25 वर्षों से अधिक समय से हम लोग यहां पर लोगों की सहायता के लिए कार्यालय बनाए हैं, हमें हटाने से पहले सही जगह दे दिया जाए जिससे हम लोगों का कार्य बाधित ना हो। लाजपत पार्क स्थित संकटहरण दरबार हनुमान मंदिर में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर द्वारा रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने लय और ताल के साथ पाठ पूरा किया। ज्ञात हो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर करोड़ों हिंदू सनातनियों की भावना को आहत करने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रामचरितमानस का पाठ कर उनके आपत्तिजनक बयान का विरोध दर्ज किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, लोकसभा संयोजक शरद सलारपुरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति शेखर, जिला उपाध्यक्ष श्यामल किशोर मिश्रा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, उनका जो बयान आया था, हम सबों के का जो धार्मिक ग्रंथ है, सबों की जिस ग्रंथ पर आस्था है सभी हिंदू समाज की, श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर, कुछ दोहे को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर परिवार आज यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करके उनको ईश्वर भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें और शिक्षा मंत्री में जो शिक्षा का जो शब्द जो जुड़ा है उस उन माननीय मंत्री को सद्बुद्धि देकर इतनी जरूर उनमें बुद्धि भरने का कार्य करें, जिससे कि वो इस प्रकार के अनर्गल और बयानबाजी से वो बचें और भगवान उनको इतनी सुबुद्धि जरूर दें कि वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। शहर के मनाली चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन मोटर वाहन निरीक्षण और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों से जहां फाइन वसूला गया, वहीं हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट लगाने और चार पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। सरकार के द्वारा किसी भी काम को आसान तरीके से करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाता है। जैसे जैसे लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बात कर रहे हैं पोस मशीन की। सभी पीडीएस डीलरों को अनाज मुहैया कराने को लेकर पोस मशीन दिया गया है, जिसका कि आमतौर पर हमेशा लिंक फेल रहता है। इससे धारकों को अनाज का उठाव करने में काफी परेशानी होती है। लोग सुबह और शाम डीलरों के दुकान पर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं लाभुकों का कहना है कि डीलर के यहाँ सुबह शाम आते हैं और अनाज नहीं उठा पाते हैं। हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज है कि दिन भर मतलब कि लिंक नहीं आता है, दिन भर बैठ बैठता जाता है और 7 बजे समझ में लिंक आता है, टेंशन होता है, हर महीने भाग आते होता है। सरकार सुचारू रूप से अपना मशीन चालू नहीं रखता है, इसलिए लिंक फेल है। पब्लिक को अनाज देने में काफी कठिनाई होता है।
मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने बाईपास से एक अवैध गिट्टी लदे हाईवा को जब्त किया है। हाईवा चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने बाईपास पर जांच के क्रम में ओवरलोड हाईवा को पकड़कर जांच पड़ताल शुरू किया। इस दौरान मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि गिट्टी लदे हाईवा से गिट्टी से संबंधित कागजात की मांग की गई। संबंधित कागजात नहीं प्रस्तुत होने पर वाहन को जब्त कर लिया गया है। बीती रात मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर से एक चोर ने ऑटो की बैटरी चोरी कर ली। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत मधुसूदनपुर थाना में दिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। मामले पर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि नूरपुर निवासी मुन्ना कुमार राय ने लिखित आवेदन दिया था। चोर की पहचान किशनपुर निवासी सुखदेव कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार चोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।